Hello guys, welcome back to my channel. I'm back again with another video. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैनवा से रिलेटेड एक अमेजिंग सा सर्टिफिकेशन कोर्स। आप में से जितने लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का सर्टिफिकेशन कोर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैनवा की वेबसाइट के बारे में। तो कैनवा एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको विद थाउजेंड ऑफ प्रोफेशनल टेम्पलेट इमेजेस एंड क्वालिटी कंटेंट मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के पोस्टर, फ्लायर्स, इसके अलावा ब्रोशर्स, कार्ड्स, आपके यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब इंट्रोज, यूट्यूब आउट्रोज, इस तरीके की डिफरेंट चीजों को आप जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। और कंपाइल करने के अलावा अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप इसकी सर्विस भी दे सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। मैंने पहले भी कैनवा के ऊपर काफी सारे कोर्सेज कराए हैं और आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा रहा है इस बारे में। तो आज भी मैं जो कैनवा का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म से। कैनवा को इस्तेमाल करने का बेसिक रीजन ये है कि जिन लोगों को फोटोशॉप नहीं आती या जो लोग इलस्ट्रेटर पे अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाते, तो कैनवा के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसे आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कार्ड, कोई भी फ्लायर वगैरह को डिजाइन आउट कर सकते हैं। काफी इजी टू यूज रहता है आपके पास कैनवा और आप रियल टाइम के अंदर काफी सारी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्विल यहाँ से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको इसका सर्टिफिकेट भी लेकर दिखाने वाली हूँ। आज जो कोर्स मैं आपको कराने जा रही हूँ कैनवा से रिलेटेड वो है क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड यूजिंग कैनवा। बेसिकली कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म से ये कोर्स मैं आपको कराऊंगी और इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से जो है वो फेमिलियर हो तो आपको पता होगा किस तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की जाती है, किस तरीके से कैरेक्टर्स को जो है डिफरेंट टाइप के विजुअल्स के थ्रू परफॉर्मेंस करवाई जाती है और किस तरीके से उसमें लाइव एनिमेशन को ऐड किया जाता है। तो उसी सारे प्रोसेस से रिलेटेड आज हम कैनवा का ये कोर्स करने वाले हैं कोर्सेरा की वेबसाइट से, और इसका लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टोटल 5 चीजें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं कैनवा में वो बताया जाएगा। फिर हम यूटिलाइज करेंगे ग्राफिक टूल्स को और देखेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छा स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। आपकी जो यहाँ पर नरेटिव राइटिंग स्किल्स हैं, यानी कि आपका क्रिएटिव राइटिंग कितनी है, आप स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हो अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, अपनी विजुअल्स के अकॉर्डिंग, अपने इमेजेस के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजों से रिलेटेड भी ये कोर्स होने वाला है। और आखिर में इसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई जाएगी फाइनल आउटपुट के साथ कि किस तरीके से कैनवा का इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी स्टोरी जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्विज हम यहाँ से शुरू करते हैं और फिर जो है मैं आपको इसका सर्टिफिकेट कलेक्ट करके बताती हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट कोर्सेरा की वेबसाइट के ऊपर लाजमी होगा, और अगर आप पहली बार कोर्सेरा से कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने खुद को वेबसाइट के ऊपर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ से एनरोल फॉर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आपको ना इसमें सर्टिफिकेट के लिए पे करना है और ना ही इस कोर्स को अज्यूम करने के लिए आपने पे करना है। तो चलिए अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और अपने कोर्स के मेन पेज पर आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि कुछ इस तरीके का आपका मेन पेज रहेगा इस कोर्स से रिलेटेड, और जो भी पॉपअप्स आते हैं उनको आपने क्लोज कर देना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो आपके पास ओवरव्यू है, ग्रेड्स हैं, नोट्स हैं, डिस्कशन फोरम है, मैसेज है एंड गाइडेड प्रोडक्ट का
इन्फो है, तो अगर आप इन सब चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 75% मार्क्स लाने हैं इसका सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। स्क्रोल डाउन करते हैं, देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कोर्स के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। हमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एस्टिमेट टाइम है इसका 2 आवर एंड 10 मिनट, जिसके अंदर आप इस कोर्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 चीजें अवेलेबल है। 10 मिनट्स के अंदर आपके पास एक रीडिंग अवेलेबल है जिससे आप रीड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस अगर आप करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे, उसके लिए 1 आवर की यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और आप जो है 15 मिनट्स का कुछ और इन्फो है, कुछ और एडिशन इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में, अगर आप चाहें तो आप उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आसानी से विद इन 2 सेकेंड अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, रिक्वायर्ड क्विज, ग्रेडेड क्विज, टेस्ट योर प्रोजेक्ट अंडर सेंड 45 मिनट्स। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कहता है सबमिट योर असाइनमेंट, ड्यू डेट है आपके पास अक्टूबर 25। आप जिस भी डेट को कर रही होगी इस कोर्स को, वो कोर्स की डेट आपके पास यहाँ पर लिखी भी आ रही होगी। मेरी डेट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन है। आपको 80% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट असाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर स्टोरी बोर्ड। किसी भी स्टोरी बोर्ड का पर्पस आपके पास क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोवाइड अ नरेटिव और सीक्वेंस फॉर अ विजुअल एक्सपीरियंस। जब भी आप कोई स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें आप जो है हमेशा नरेट करते हैं, उसको सीक्वेंस करते हैं अपने विजुअल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली अपनी स्टोरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच टूल अलाउ द यूजर टू एड टेक्स्ट इन द हेडिंग। अगर आपने कोई भी यहाँ पर हेडिंग्स की है कैनवा के अंदर, तो आप कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, आपने वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टेक्स्ट टूल। आप हेडिंग टूल का यूज भी कर सकते हैं सब हेडिंग्स के लिए, बट अगर आपको डिफरेंशिएट हेडिंग्स लिखनी है तो आपने हमेशा टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करना है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज, वी माइट इट बी इजियर टू राइट द नरेटिव टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन एड इमेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास यहाँ पर, It might be easier for the author to match the image to the text. आपके यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या चीज आसान रहती है किसी भी स्टोरी को नरेट करते हुए, तो ऑथर के लिए ये चीज आसान रहती है कि वो हमेशा इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट को ऐड करे, क्योंकि अगर आपके पास इमेज होगा तो टेक्स्ट ऐड करने में आसानी रहती है, वेयर एज अगर आपके पास टेक्स्ट होगा तो उसके थ्रू रेलेवेंट इमेज को फाइंड आउट करना काफी हद तक डिफरेंट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच टूल चेंजेस अ कलर इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट। तो करेक्ट आंसर रहेगा फिल्टर टूल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके और मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को फॉलो कर आसानी से अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टूल इज यूज टू व्यू द प्रोजेक्ट इन द फिनिश स्टेट बिफोर प्रिंटिंग और शेयरिंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रीव्यू टूल। हमेशा आपने क्या करना है कि अपने किसी भी प्रोजेक्ट को फिनिश करने से पहले, उसकी प्रिंटिंग और शेयरिंग करने से पहले उसका आपने प्रीव्यू हमेशा चेक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कोर्सेरा ऑनर ऑफ कोड आई महक आलमगीर अंडरस्टैंड दैट सबमिटिंग वर्क दैट इज इन माई ओन में रिजल्टेड परमानेंट फेलियर ऑफ दिस कोर्स और डीएक्टिवेशन ऑफ माई कोर्सेरा अकाउंट। आपने इस चेकबॉक्स को टिक कर देना, टिक करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू पास, दिस वॉज द लास्ट असाइनमेंट इन द कोर्स एंड यू हैव नाउ कम्प्लीट द इंटायर कोर्स एंड अर्न सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ से व्यू सर्टिफिकेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके का सर्टिफिकेट आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है, व्हाट स्किल हैव यू लर्न इन दिस कोर्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टोरी बोर्ड, राइट। आपने यहाँ पर स्टोरी बोर्ड लिख देना है और उसके बाद जो है वो आपने इसको यहाँ पर
सबमिट कर देना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड यूजिंग कैनवा व्यू एंड शेयर सर्टिफिकेट। तो इस वाले ऑप्शन को अब हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और आपके पास कुछ इस तरीके से कोर्सेरा का आपका क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड यूजिंग कैनवा का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका अपना नाम और सिग्नेचर एंड ऑफिशियल आईडीज जो है वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो इसे सोशल मीडिया पे टैग करते हुए मुझे टैग आउट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं, कैनवा से रिलेटेड मैंने एक और कोर्स अपने चैनल के ऊपर करा कर रखा है जिसका लिंक मैं आई बटन भी दे दूंगी। यूज कैनवा टू क्रिएट डेस्कटॉप एंड मोबाइल फ्रेंडली वेब पेजेस। इस कोर्स को कंपाइल करना बिल्कुल मत भूलिए। इस कोर्स के साथ आपको एक अदद फ्री डिजिटल बैच भी मिलने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।